हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोग मखाने की पंजीरी। और फ्रेंड्स, ये लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इसको जन्माष्टमी पे ज़रूर बनाएं। इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसको बनाते कैसे हैं और इसको बनाने का सही तरीका क्या है, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी का प्रिय प्रसाद जो है मखाने की पंजीरी, उसे हमें कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हम पैन में लेंगे 1 चम्मच देसी घी, और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़े से बादाम कटे हुए हैं, काजू है, किशमिश है। तो इस ड्राई फ्रूट्स को हम इस घी में रोस्ट करेंगे और इसे हम ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे, तो इससे ये अच्छी तरह से पक जाएगा। और ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो रोस्ट हो चुका है, तो अब हम इसे एक साइड में रख लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। आप अगर चाहें तो आप और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके बाद हम सेम पैन में 1 चम्मच घी और लेंगे और फिर हम उसमें मखाना डालेंगे और उसे भी हमें रोस्ट कर लेना है। आप अगर चाहें तो आपको जितनी पंजीरी बनानी है उस हिसाब से आप मखाना ले सकते हैं। और ये देखिए, हमारा मखाना जो है वो एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो आप इस तरह से इसको देखें, ये देखिए ये पूरी तरह टूट गया है। तो इतना क्रिस्पी हमें मखाना कर लेना है और इसे अब हम ठंडा करेंगे। इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह से हम ग्राइंड करेंगे। और उसके बाद हम लेंगे 1/2 कप नारियल। तो यहाँ पे मैंने सूखा नारियल है उसको ग्रेट कर लिया है। आप इसमें नारियल का बुरादा यूज़ ना करें, नहीं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। आप चाहें तो आप हरा नारियल भी कद्दूकस करके ले सकते हैं या सूखा नारियल भी। और ये देखिए, इसे हम इतना ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स, हम लेंगे 1 बाउल और उसमें ये मखाना जो हमने ग्राइंड किया था वो निकालेंगे। उसके बाद हम नारियल डालेंगे इसमें, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर यूज़ किया है और ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किया था उसे भी डालेंगे। आप शुगर यानी कि चीनी को मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना सकते हैं। और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें अलग से आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी घी हमने डाली है इतनी ये पंजीरी के लिए बहुत है। और इसको अब हम एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम डाले हैं। उसके बाद इस पे थोड़ा सा हम किशमिश डालेंगे। आप चाहें तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम ऊपर से डालेंगे तुलसी का पत्ता, क्योंकि तुलसी के पत्ता के बिना तो लड्डू गोपाल जी का प्रसाद अधूरा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये मखाने की पंजीरी बनकर रेडी है। आपने देखा, इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये लड्डू गोपाल जी को भी बहुत पसंद है। तो आप जन्माष्टमी पर इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।